नमस्कार, मैं उरीन कुमारी, पब्लिक एशिया में आपका स्वागत है। वक्त है उत्तराखंड की 5 बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से रविवार को मुख्यमंत्री आवास से पूर्व मुख्यमंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भेंट की है। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री से राज्य से संबंधित समस्यामयी विषयों पर चर्चा भी की है। दूसरी खबर की ओर चलते बता दें, हरिद्वार जिले की खानपुर विधानसभा सीट से पूर्व विधायक कुंवर प्रणन सिंह चैंपियन ने मदन कौशिक पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि ये आगामी लोकसभा चुनाव भाजपा के टिकट पर उत्तर प्रदेश से लड़ेंगे। फिलहाल वह मेरठ, बिजनौर, अमरोहा या सहारनपुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। चैंपियन ने खानपुर विधायक उमेश पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उमेश शर्मा ने खानपुर में विकास की जो भी घोषणाएं की थी उनमें एक भी पूरा नहीं हो पाया है। विधायक ना होते हुए भी उन्होंने खानपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सहयोग से खादर के लिए 3 पुल स्वीकृत करवाए हैं, जिनकी लागत 30 करोड़ रुपए है। इसका शासन आदेश भी जारी हो गया है। और तीसरी खबर की ओर चलते बता दें, उत्तराखंड में विभिन्न मंदिरों समेत 20,000 से अधिक स्थलों पर विशाल LED स्क्रीन पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का सीधा प्रसारण देखने की व्यवस्था की जा रही है। रामलला के विराजमान होने पर शाम को दीपोत्सव मनेगा। घरों, मंदिरों व सार्वजनिक स्थलों पर दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। साथ ही घरों, प्रतिष्ठानों व सार्वजनिक स्थलों पर विशेष सजावट की जाएगी। और चौथी खबर की ओर चलते बता दें, नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के वेतन के नाम पर हुए फर्जीवाड़े में अब जांचों का दौर शुरू हो गया है। भौतिक सत्यापन के साथ ही अब प्रशासनिक जिलाधिकारी सोनिका ने 5 वर्षों से कार्यरत प्रत्येक सफाई कर्मचारी का ब्यौरा मांगा है। इस बीच ये बात भी सामने आ रही है कि नगर निगम का बोर्ड भंग होने से पहले ही कर्मचारियों की सूची में बदलाव कर दिया गया था। अब स्वच्छता समिति के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, पार्षद, सुपरवाइजर और नगर निगम के अधिकारी भी जांच के दायरे में आ गए हैं। और आखिरी खबर की ओर चलते बता दें, हरिद्वार में VIP ड्यूटी पर कर रही एक महिला अधिकारी के साथ एक पूर्व विधायक ने अभद्रता कर डाली। पूर्व विधायक का कहना था कि महिला अधिकारी उनकी अनदेखी कर रही हैं। ये बात पूर्व विधायक को इतनी बुरी लगी कि कार्यक्रम स्थल पर सबके सामने ही महिला अधिकारी पर अपनी झल्लाहट उतार दी। इसके बाद पूर्व विधायक का यह रवैया देखकर आसपास मौजूद लोग भी दंग रह गए और महिला अधिकारी फूट फूट कर रोने लगी। फिलहाल यह मामला शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। साथ ही राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों में भी नाराजगी है। बताया जा रहा है कि जल्द ही एक प्रतिनिधिमंडल इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मुख्य सचिव से मुलाकात करने की तैयारी में है। ऐसे उत्तराखंड की तमाम जानकारी के लिए देखते रहे पब्लिक एशिया न्यूज। नमस्कार।